तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 4 लाख रुपए के अंदर एक सीएनजी का पिकअप लेना चाहते हैं और उससे महीने का 50-60 हज़ार रुपये आसानी से कमाना चाहते हैं, तो ये गाड़ी अभी हमारे सामने है, महिंद्रा का जीतो, वो भी सीएनजी में। अब इस सीएनजी में कौन कौन सी बेस्ट फीचर्स हैं, माइलेज कितना की देती है, इसका इंजन क्या है, सभी कुछ आज के इस वीडियोज़ में मैं बताने वाला हूँ। खैर, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं ले आया हूँ महिंद्रा के सुपर सेल्स एग्जीक्यूटिव बादशाह, जाने माने बादशाह, जो कि महिंद्रा जीतो सीएनजी के बादशाह जाने माने हैं, उनको ले आया हूँ। और सर हमें बताएंगे इस गाड़ी की क्या है बेस्ट फीचर्स, माइलेज कितना की दे देगी, सभी कुछ हम सर से अभी जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत हमारा चैनल में आपको आने के लिए। तो सर ये बताइए कि इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो कितना से स्टार्ट होता है? ये आपका 491,391 4,91,391 रुपया इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है। और सर मैं बात कर लेता हूँ इंजन के बारे में सबसे पहले, क्योंकि कोई भी गाड़ी का पावर हम सबसे पहले देखते हैं। 625 सीसी का है। अच्छा, 625 सीसी का सिंगल सिलेंडर में? सिंगल सिलेंडर। अच्छा अच्छा, और इसका मैक्सिमम पावर क्या जाएगा? 715 है। 715 पावर है जी, मतलब HP। अच्छा, 715 HP का इसका पावर है। और टॉर्क की अगर बात कर ले तो 42 न्यूटन मीटर का इस गाड़ी का मैक्सिमम टॉर्क है। वो भी सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का फ्रंट के बारे में बता देता हूँ, मतलब जितना मैं बताने पाऊंगा वो चीज़ मैं बताऊंगा और बीच बीच में सर हमारा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो विंडशील देख रहे हैं वो आपको थोड़ा सा पैनोरामिक टाइप में मिलता है, यानी काफ़ी शानदार मिलता है। और इसमें जो आपको ये जो चीज़ देख रहे हैं ये आपको एक ही मिलता है, रेन सेंसिंग जो वाइपर्स होता है वो डबल नहीं है, इसमें सिंगल मिलता है। और फ्रंट का ये जो लाइट देख रहे हैं ये आपको रिफ्लेक्टर में हेलोजन का हेडलाइट मिलता है, और यहाँ पर आपको लाइट मिलता है, और साइड में टर्न इंडिकेटर लाइट आपको यहां पे मिलता है। बाकी फॉग लाइट का कोई भी एक्सेसरीज यहां पे है नहीं, लेकिन ये जो गाड़ी है वो डुअल कलर टोन में आपको देखने को मिलेगी, ब्लैक कलर के साथ साथ ये कलर। अब मैं बात कर लेता हूं सर इसका जो फ्रंट का टायर है वो कितना का? 12 इंच का टायर है। अच्छा अच्छा, 12 इंच का इसका फ्रंट का टायर आप यहाँ पे देख रहे हैं, 12 इंच का फ्रंट का टायर है। इसके साथ साथ सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूँ तो क्वाइल स्प्रिंग टाइप का यहाँ पे आपको मैकफर्सन का सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। टायर साइज की मैं बात कर लूँ तो जैसा कि सर ने बताया कि 12 इंच का इसका टायर साइज देखने को मिलता है MRF का। वही मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होने वाली है, तो 165 mm की इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस होने वाली है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये जो गाड़ी का इंजन देख रहे हैं ना भाई साहब, वो बहुत ही खतरनाक इंजन, 715 cc का आपको इस गाड़ी का इंजन देखने को मिलता है। वहीं आप यहाँ पे देखेंगे तो रेडिएटर टाइप में इंजन को कूल करने के लिए मिलता है, और ये जो गाड़ी है वो CNG पे चलता है। तो अभी सर से जानेंगे कि CNG का कितना कैपेसिटी है। माइलेज 37 का है। अच्छा, माइलेज 37 का है। बाकी CNG का जो कैपेसिटी है कितना लीटर का इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है? 7 kg का है। 7 kg का इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है। और वहीं इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की अगर मैं बात कर लूँ तो 3581 mm का आपको इस गाड़ी का लेंथ देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं कार्गो बॉडी का मैं लेंथ बता दूँ तो 7.4 का इसका आपको मिल जाता है, 7.4 का इसका टोटल लंबाइया मिल जाता है, और 5 का आपको इसका टोटल चौड़ाई मिल जाता है। वहीं पेलोड कैपेसिटी की मैं बात कर लूँ तो कंपनी का जैसा क्लेम है कि 700 kg तक आप आसानी से इस गाड़ी में पेलोड कैपेसिटी के साथ चल सकते हैं, 715 kg के साथ। लेकिन ऑनर्स का जैसा कहना है या फिर ये जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं चला रहे हैं उनका कहना है कि इस गाड़ी में आसानी से वो 1000 से 1100 kg तक का सामान लोड कर सकते हैं, डेढ़ टन का सामान लोड कर सकते हैं। इंटीरियर की बात कर लूँ इस गाड़ी में तो इंटीरियर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिलता है। गेट को जैसे ही ओपन करते हैं तो ये ग्रैब हैंडल मिलता है, बाकी विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे गोला सा आपको लॉक अनलॉक ऑप्शन मिलता है। बाकी डैशबोर्ड अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप के इसके नॉर्मल डैशबोर्ड मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक लॉकेबल ग्लोबॉक्स मिलता है, कुछ स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो नॉर्मल आपको मिलता है, कहीं से कोई कंट्रोल नहीं। बस एक चीज इस गाड़ी का फायदा है कि इसका जो गियर लीवर है ना ये आपको डैशबोर्ड पे ही मिलता है, जिससे होगा क्या कि आप इस साइड से उस साइड काफी आसानी से जा सकते हैं, दो लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर के साथ, को ड्राइवर। और यहाँ पे हैंड ब्रेक ऑप्शंस, और देख सकते हैं स्टीयरिंग कुछ इस टाइप का है। बाकी यहाँ पे मैं बात कर लूँ इसके मीटर कंसोल की तो ये आपको एनालॉग में ही मिलता है, डिजिटल नहीं मिलता है। ऊपर में देखें तो IRVM नॉर्मल में, हेडलाइट नॉर्मल में, और
ये अगर मैं बात कर लूँ इसके, तो टिकट होल्डर मिलता है आपको यहाँ पे, मिरर नहीं मिलता है, और एक आपको साइड में यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप इसे पूरे इसके कार्गो बॉडी को देख सकते हैं। तो ये है इस गाड़ी की बेस्ट फीचर्स। अब मैं सर से जानूंगा कि इस गाड़ी को खरीदने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कम से कम क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो सर डॉक्यूमेंट में अगर बात करें तो सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। 6 फोटो चाहिए जो जिस पार्टी के नाम से गाड़ी होगा। अच्छा अच्छा 6 फोटो चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड। अच्छा। बैंक पासबुक अपडेट। 6 पीस चेक चाहिए। और पार्टी के नाम से चाहे किसी के नाम से घर का, परिवार का, बिजली का बिल चाहिए। बिजली का बिल चाहिए जी। बाकी डाउन पेमेंट कम से कम क्या हो सकता है यहाँ पे? कम से कम 80 जी। यानी कम से कम आप अगर इस महिंद्रा की जीतो सीएनजी को लेना चाहते हैं तो 80,000 रुपये आपको कम से कम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और इसकी फाइनल में माइलेज किलोमीटर के हिसाब से कितना निकल कर आ जाती है प्रति किलो? अगर 1 किलो सीएनजी हम डालते हैं तो कितना माइलेज निकल कर आ जाती है? क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि 1 किलो सीएनजी में कितना माइलेज निकाल कर आ जाती है। 37 का माइलेज आता है। अच्छा 37 का माइलेज निकाल कर ये गाड़ी दे देती है। बाकी एक्स शोरूम की मैं बात करूँ, 491,391 रुपया आपको इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।